गाइस, दिस इज शैवी सूरी। मैं आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड कर्नल के बारे में, क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने पूछा मुझे कि एंड्रॉयड कर्नल क्या होता है, वो फ्लैश कैसे करते हैं और क्या होता है फ्लैश करने से। तो सोचा आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँ, आपको बताऊँ अच्छे से कि एंड्रॉयड कर्नल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे हम सबको पता है कि हम एंड्रॉयड में रोम फ्लैश करते हैं, उससे एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि कैसे रोम फ्लैश करते हैं। तो अब बात है कर्नल फ्लैश करने की। जैसे हमें पता है कर्नल फ्लैश करने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। कर्नल जो है सबसे बेस्ट वे है फ़ोन की परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और कुछ फीचर्स ऐड करने के लिए। ये सबसे ईजी वे है, सबसे छोटा वे है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा इंटरनेट नहीं खर्च होता। जैसे हम रोम डाउनलोड करते हैं 500-600 MB की, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन जो कर्नल होता है वो छोटा सा होता है, 10-12 MB का, 3-4 MB का। उससे सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस होती हैं, उससे सिर्फ कुछ इम्प्रूवमेंट होती है, बैटरी की लाइफ इंक्रीज़ होती है, फ़ोन की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होती है और कुछ फीचर्स होते हैं जैसे डबल टैप टू वेकअप और भी काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं जिसको हम कर्नल चेंज करने से ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सबको मोटोरोला ड्रॉइड के बारे में पता होगा। मोटोरोला का एक फ़ोन है, उसमें वाईफाई टेथरिंग नहीं आती, लेकिन अगर आप उसमें कस्टम कर्नल फ्लैश कर दें तो उसमें वो फीचर ऐड हो सकता है। इस मतलब कर्नल चेंज करने से आपको काफ़ी ज़्यादा नए फीचर एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। इससे अभी आपको मैं बताता हूँ इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इसका काम क्या होता है फ़ोन में। जैसे हमें पता है कि कर्नल है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करता है। जैसे आपको समझ लीजिए, कैमरा ओपन करते हैं, कैमरा ओपन करने के लिए आप सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे और उसके साथ हार्डवेयर एक्टिवेट होता है। ये कर्नल का काम होता है, सारा का सारा काम फ़ोन में कर्नल का होता है। इसके बिना फ़ोन बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। जैसे कि आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब कर्नल के साथ अपने फ़ोन में ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा आपके फ़ोन में 2.2 GHz का प्रोसेसर है, इतना प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है। आप कस्टम कर्नल फ्लैश करके अपने जो फ़ोन में जो हर्ट्ज होते हैं उसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हो और अंडरक्लॉक भी कर सकते हो। ओवरक्लॉक करेंगे तो आपकी जो फ़ोन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा हैवी चीज़ें इसमें यूज़ कर पाएंगे। और जो अंडरक्लॉकिंग है, अगर आप वो कर दें तो आपका क्या होगा कि बैटरी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कम से कम हीट होगा और कम परफॉर्मेंस होगी, उसके साथ बैटरी की जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ होगी। कस्टम कर्नल फ्लैश करने से काफ़ी फ़ायदा होता है अगर आपका जो कर्नल है वो स्टेबल है। तो कर्नल का मेन काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेट करवाना, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना। अब कोई भी छोटा काम करते हैं, जैसे आप टच करते हैं, आप ब्राइटनेस इंक्रीज़ करते हैं, आप स्वाइप करते हैं लेफ्ट, आप स्वाइप राइट करते हैं, आप छोटा काम भी क्यों ना करते हो अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, वो सबका सब काम कर्नल की वजह से होता है। कर्नल अगर होगा फ़ोन में तभी ही आपका एंड्रॉयड काम कर पाएगा, ऐसे आपका एंड्रॉयड काम नहीं करेगा। ये है इसकी डेफिनेशन कर्नल की, कि एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करता है। ये थी हमारी कर्नल की डेफिनेशन। मैं आपको एक रिटर्न डेफिनेशन ये बताना चाहता था, मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था कि इसका काम क्या होता है फ़ोन में। काफ़ी सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी आपको इंटरनेट पे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको अच्छे से बता दूँ इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि ये लिनक्स बेस्ड होता है, जो लिनक्स विंडोज़ होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कर्नल जो है कंपाइल किए जाते हैं, उसमें ही कर्नल बनते हैं। अभी काफ़ी सारे दोस्त पूछेंगे कि आपको कैसे कर्नल फ्लैश करते हैं, कैसे फ्लैश कर सकते हैं, तो आपको हमें कौन सा कर्नल फ्लैश करना चाहिए। आप अपनी अपनी जाके वेबसाइट चेक कीजिए, फॉर्म्स चेक कीजिए। मैं अभी इस टाइम इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइको का लावानेस। मैं आपको बता देता हूँ इसके लिए कौन सा कर्नल अभी तक जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेस्ट है। मेरा दोस्त है निशांत प्रो, उन्होंने कर्नल बनाया है, साइको मोड आपने नाम सुना होगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और फ्लैश कैसे करना है, जैसे आपको पता होगा रोम फ्लैश करते हैं, आप सबने रोम फ्लैश की होंगी, वैसे ही सेम टू सेम कर्नल फ्लैश करते हैं। ये एक इमेज फाइल होती है, बस इमेज को सीधे फ्लैश कर देना है आपने, आपका कर्नल फ्लैश हो जाएगा। अगर आपको नहीं आता फ्लैश करने तो ऊपर लिंक आ रहा होगा कि कैसे रोम फ्लैश करते हैं, उस पर क्लिक कीजिए, सेम टू सेम कर्नल फ्लैश करते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए,
आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, मैं अलग से वीडियो भी बनाऊँगा अगर आपको हेल्प चाहिए कर्नल कैसे फ्लैश करना है। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ कि कर्नल क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से फीचर्स ऐड हो सकते हैं, नए फीचर्स ऐड हो सकते हैं इससे, और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें बैटरी लाइफ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने फ़ोन की। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते हैं कि बैकग्राउंड ऐप्स कम कर दीजिए, वो कीजिए वो कीजिए, आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो कर्नल है ये आपका अंडर क्लॉकिंग करता है। ये 2.2 GHz का अगर आपका प्रोसेसर है इसको कम कर देगा और आपकी जो बैटरी लाइफ है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही इंक्रीज़ हो जाएगी। यही है सबसे बेस्ट वे होता है बैटरी लाइफ इंक्रीज़ करने का। आई होप आपको मेरी जो वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपको अच्छे से बता पाया हूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपने YouTube चैनल की फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके लिए और ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, आप सबको और नॉलेज देता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइज़।